काशी के भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के आज के इस विशेष सम्मेलन में अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहां पर उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदेश के प्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय विधायकगण, प्रदेश के उपाध्यक्ष और लोकसभा के संयोजक श्री लक्ष्मणाचार्य जी और काशी के सभी बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रमुखगण, मैं सबसे पहले भारत माता के महान सपूत, काशी को देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के सांसद और काशी संसदीय क्षेत्र से पुनः काशी के नागरिकों की भावनाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आज काशी में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से, आप सब की ओर से, काशीवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। काशी के 1819 बूथ अध्यक्ष, 226 सेक्टर प्रमुख और अन्य पदाधिकारियों के आज के सम्मेलन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, चुनाव के पूर्व काशी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करने की दृष्टि से हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरा देश गौरवान्वित है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व पर। पूरा उत्तर प्रदेश गौरवान्वित है आदरणीय मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर, और काशी की तो कहना ही क्या है। मैं आज के इस अवसर पर, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन के पूर्व जब काशी के कोतवाल काल भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो हमारे बूथ स्तर के इन कोतवालों को संबोधित करने और अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आप यहां पर पधारे हैं। मैं भारत माता के इस महान नंदन का काशी की, उनकी काशी में, काशी को जो भावनात्मक टच दिया है प्रधानमंत्री जी ने, कल काशी के द्वारा उमड़ता हुआ जन समुदाय आप सब ने देखा होगा, पूरी काशी किस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए उमड़ पड़ी थी। और आज यहां पर 1819 बूथ के अध्यक्षगण और 226 सेक्टर प्रमुख और अन्य ऊपर के पदाधिकारियों के इस विशेष सम्मेलन में भारत माता के इस महानंदन का वंदन और अभिनंदन करते हुए नहीं, हृदय से यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि अपना योग्य मार्गदर्शन काशी के इन सभी कार्यकर्ताओं को देने की कृपा करें।